सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के भाई का गुना में एक्सीडेंट। पत्नी के साथ इंदौर से जा रहे थे ग्वालियर, गाय को बचाने में अनियंत्रित हुई कार। इंदौर से ग्वालियर जा रहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बड़े भाई की कार का गुना में एक्सीडेंट हो गया। इसमें वह, उनकी पत्नी और ड्राइवर घायल हो गए हैं। उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। तीनों खतरे से बाहर हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र माहेश्वरी के बड़े भाई रवि माहेश्वरी अपनी पत्नी आशा देवी के साथ कार से इंदौर से मुरैना के जोरा और वापस लौट रहे थे। तभी सोमवार को सुबह 8:40 पर उनकी कार नेशनल हाईवे 40 पर गुना के भदोरा के पास गड्ढों और गायों को बचाने के फेर में उनकी कार अनियंत्रित हो गई, जिससे कार पलट गई। इस कार में बैठे डॉक्टर रवि माहेश्वरी, उनकी पत्नी आशा देवी और कार चालक अमित शर्मा घायल हो गए। इसकी सूचना मिलते ही मैना पुलिस मौके पर पहुंचे और हाईवे की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। ये तीनों को लाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां रवि माहेश्वर की हालत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के भाई के एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा समेत कई अफसर अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना और उचित इलाज के निर्देश दिए। इसके बाद इन घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। रवि माहेश्वरी, उनकी पत्नी आशा देवी के घायल होने की खबर मिलते ही उनके परिवार के लोग सुबह 11:30 करीब गुना आ गए। वही म्याना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करने के बाद पलटी कार को सीधी कराई और अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज किए। सुप्रीम कोर्ट जज के भाई हैं, कैसी क्या कंडीशन है? एक सूचना मिली थी भदौरा के पास सुबह करीब 8:15 से 8:30 के बीच में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो तत्काल मौके पे डायल 100 को प्लस 10:33 को रवाना किया गया और चौकी प्रभारी मयाना को रवाना किया गया। तो वहाँ पे एक सेल्टोस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक पुरुष, एक महिला और एक ड्राइवर थे, तीन लोग। बाद में पता चला कि वो ग्वालियर निवासी हैं रवीश महेश्वरी जी और उनकी पत्नी हैं। तत्काल उनको यहाँ आशीर्वाद हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पर्याप्त मेडिकल सुविधाएँ मुहैया तुरंत करवाई गई और उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक है। और जैसा कि वो डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, वो उनको भोपाल इंदौर रेफर कर रहे हैं। कमरे में फंदे पर लटकती मिली नवविवाहिता, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। म्याना के पदमन खेड़ी का मामला। म्याना थाना अंतर्गत ग्राम पदमन खेड़ी में एक नवविवाहिता के संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। महिला कमरे में फंदे पर लटकी हुई मिली। वही मायके पक्ष ने ससुरालियों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि पिछले 6 महीने से महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं घटना के दौरान महिला का पति भी घर पर नहीं था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। मिली जानकारी के अनुसार पदमन खेड़ी निवासी पूनम पत्नी मनीष यादव की संदिग्ध मौत हो गई है। पूनम कमरे में फंदे पर लटकी हुई मिली है। पूनम और मनीष की शादी मई 2023 में हुई थी। वही 2.5 महीने की गर्भवती थी। महिला के पति मनीष का कहना है कि वह अपनी बहन का इलाज कराने आया था। लौटकर आया तो कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। दरवाजा नहीं खोलने पर, फोन नहीं उठाने पर कुर्सी पर चढ़कर कमरे में झाकर देखा तो पूनम फंदे पर लटकी हुई मिली। इधर मृतक महिला के नाना गिरिराज यादव, चाचा जितेंद्र यादव और भाइयों ने ससुरालियों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब वहां पहुंचे तो पूनम मरी हुई थी, पलंग पर पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले पूनम के दोनों भाई राशन लेने उसके घर गए हुए थे। इस पर उसके चाचा ससुर विजय भान के बेटे अभिषेक और अमित के साथ मारपीट की थी। इसी बात से पूनम परेशान थी और उसे धमकाया भी गया था कि अभी तेरे भाइयों के साथ मारपीट की है, अब तेरे साथ भी करेंगे। मायके पक्ष ने कहा है कि पूनम को 6 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था, राशन का सामान तक हम भेज रहे थे। मायके पक्ष ने चाचा ससुर और उसकी पत्नी बेटू सहित 8 लोगों पर हत्या के आरोप लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम मनीष है, पदमन खेरी। क्या घटना हुई? घटना हुई, मैं गया था कहाँ पे, जो इलाज कराने हमारी दोनों सिस्टरों का। इतने तो अच्छी थी बढ़िया। मैं अकेले गुस्सा में थी थोड़ी, बस ओनली गया। अब से आया तब जाके किवार खोली, मतलब नहीं खुली, तो मैं बैठ गया ट्रैक्टर बैठ के। फिर दीदी ने कहा कॉल करी। फिर दीदी कुर्सी ले जा कर बाकी आगे टाली हुई खिड़की के, खिड़की कहाँ से है देखो, और ये पता नहीं कहा हुआ। फिर मैंने बात पोस्टर से मैं अंदर गाओ, अंदर जा कर देखो तो मैं फांसी लग रही थी। उसने हैं लगी मिली है मुँह, क्या पता हैं। आपकी कौन है? पत्नी है हमारी। क्या नाम था? पूनम, और गौरी किए थे हमारे यहाँ। अच्छा। और
पर फांसी लगी है, पैर उनकी जमीन पे रखे थे, ऐसे कैसे ऐसे उनकी जमीन पे रखे थे, एक यहाँ ऐसा था और एक ऐसा था। आप कहाँ गए थे उस समय? मैं इलाज कराने के लिए। हाँ सिस्टर, कितने बजे घटना? मैं देखो 12 बजे से गया था, 3:05 पे आया था। इनको तो कहने वाला घर से निकाला था। तो आपको क्या लग रहा है इनकी मौत कैसे हुई? देखो अंदर से तो कुंडी लग रही थी, अंदर कुंडी है तीन कुंडी नहीं ऊपरी लग रही थी, नहीं नहीं कुंडी नहीं, और जंगला में कोई शीशा वगैरह नहीं था, शादी भई थी 21 मई 2023। बच्चे? बच्चा था, बेड़ा हो सकती है, महीना लगा हुआ नहीं, हुआ नहीं है अभी, हुआ नहीं। गर्भवती है? गर्भवती है। कितने महीने? डेढ़ डेढ़ दो महीना। कौन सा गांव है? पदमन खीरी। थाना कौन सा लगता है? क्या थाना कौन सा लगता है? थाना म्याना। तो मायका कहाँ है? मायका कटोरा कटोरा कटोरा। परेशानी? मुझे नहीं बताई, मुझे बताती तो मैं कुछ ना, मैं जाता ही नहीं, मुझे बता देती तो मैं जाता ही नहीं, वैसे ही नहीं निकला। आरोप है कि उनके फांसी नहीं लगाई उन्होंने, फांसी नहीं लगाई। माए के पक्ष का आरोप है कि उन्होंने फांसी नहीं लगाई। देखो मैं फांसी तो लगी, देखो मिली है नहीं, मिली है केवल लग रहा था मैं उसकी रस्सी, फांसी जो है साड़ी से लग रही थी, साड़ी से थी। और कितना ऊंचाई लगा था? लड़की पहुंच ही नहीं सकता, कोई नहीं पहुंच सकता वहां पे। तुमने जांच पे लगाई थी? एक जे मकान पे भी नहीं रहे छड़े उस पे, और घर पे कोई मालिक नहीं था, नहीं मतलब दादी थी और चाची थी। और समय कहां गए थे? मैं मतलब चाचा जी गांव में गए थे, पापा तो वैसे भी गांव में रहते हैं, दादी तो मैं कमरा में, चाची दो ही है। कुछ नहीं साहब, इन बहुत दिन से परेशान कर रहे थे भाई, चाची चाचा सब, विजय भान बाकी पत्नी विजय भान की, उसकी दुर्गेश भाई लड़का अभिषेक सपना नीतेश सबदल, ये सब लोग बहुत परेशान कर रहे थे भाई। वो उसको खाने पीने को कोई सामान नहीं देते थे। दो दिन एक दिन पहले लड़की ने पूनम ने अपने भाइयों को फोन लगाया, बिट्टू और अजय यादव को, तो बेस सामान लेकर के जो है मतलब मायके से पूरा सामान खाने पीने का राशन लेकर के भी कमरे में रख गए, जो इस राशन अभी कमरे में रखा हुआ है अलमारी में। इसके बाद में मतलब जो है मतलब राशन रखने के बाद में भी अपने घर ही निकले, तो वो जो है इनका चचिया ससुर है उसका नाम है विजय भान यादव, उसकी लड़की लड़का उसकी पत्नी, इन लोगों ने मतलब दो लोग गांव के बुला के, लड़का एक का अभिषेक यादव है एक का अमित यादव है, अमित, और जो है मतलब उन लोगों द्वारा उनको पिटवाया गया, उनकी पूनम के दोनों भाइयों को। इसी बात पर वैसे पूनम को मतलब गुस्सा आ गया, उसने फ़ोन किया कि मुझे जो है मतलब ये मारने की तैयारी कर रहे हैं, तुम मुझे लवा जाओ, पहले भाइयों को मारे, अब जा कह रहे हैं कि अब तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद में उसकी मतलब मौत हो गई, हमको तो फोन पर इतना बताया पूनम यादव ने। अब इसके बाद में जब हम वहाँ मौका पर पहुँचे तो हम लोग तखत पर मरी हुई पड़ी मिली है, हमको ना फांसी का कोई रस्सी मिली, ना साड़ी मिली, ना कुछ भी मिला, और हमको मतलब ना कुंडी लगी हुई मिली अंदर की, गेट खुले हुए थे और एक शीशा भी नहीं है एक खिड़की में, उसमें मतलब अपना ना जंगला है उसमें एक है लकड़ी का लगा हुआ, उसमें मतलब पेपर लगे जो टूटा हुआ बता रहे हैं अपने जो है मतलब हमारे दामाद क्या नाम है मनीष यादव, वो जो है मतलब शीशा अभीशा कुछ भी नहीं है, पेपर लगा हुआ है। आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? हमको प्रथम दृष्टया से उसके अनुसार हमारी नातनी के कहे अनुसार हमको ऐसा प्रतीत होता है, और उनके सबदल सिंह और जो है मतलब विजय भान सिंह उनकी पत्नी नानद के द्वारा पहले से प्रताड़ित किया जाता था, उन्होंने हत्या की है, 302 का मर्डर किया हुआ है, सपना भाई नीतेश दुर्गेश जो है मतलब विजय भान सबदल सिंह, हमको तो मर्डर की आशंका है पूरी तरह से। शादी कब हुई थी? शादी अगले साल हुई थी 21 मई 2023 में। ये प्रताड़ित कब से कर रहे हैं? प्रताड़ित इसको जो है मतलब लगभग 6 महीने से कर रहे थे सर। आपको बताया था? हमको बताया था, फोन पे बताती थी, और 6 महीने से हम लगातार उसको जो वो खाने पीने की बोलती थी वो हम अपने बच्चों द्वारा उसको
भिजवा दी थी। बेटा दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे? नहीं नहीं, पति पत्नी साथ रहते थे। पति पत्नी साथ, चाचा और इनके पापा सब एक साथ रहते। आपको भेजाना पड़ता राशन पानी? हमको भेजाना पड़ता था। हम कहें बेटा कोई बात नहीं है, अपने घर में थोड़ा बहुत आवश्यकता हो पैसे। मैं जो कार्रवाई चाह रहा हूँ कि इस पर जो है मतलब जो 8 लोगों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई कर धारा 302 के अंतर्गत कायम की जाए। उसके गर्म में मतलब जो बच्चा है तो एक के साथ में मतलब एक की जगह 2 हत्या लगने चाहिए। कितने महीने की गर्भ से थी? अब मेरी तो नातनी है, खुल के तो मुझसे ये बात बता नहीं सकती है, लेकिन मतलब 2-2.5 महीने बता रही है, मतलब हमारी परिवार वाली महिलाएं। पुलिस में आपने कंप्लेंट की? पुलिस में हमने कंप्लेंट की, कंप्लेंट में भी कंप्लेंट तो में बना के झपोचा दिया। ना कोई FIR आई दी हमें, ना हमको कोई FIR दी, ना कोई कागज दिया, ना कोई का अभी तक कोई कागज नहीं दिया। 8 लोग जिन पे आप कार्रवाई कर रहे हैं? 8 लोग हैं, मतलब नंबर 1 विजय भान सिंह, नंबर 2 विजय भाई दुर्गेश भाई, अभिषेक, सपना, नीतेश, सबदल सिंह, सेवन और वो नहीं सेवन नहीं, तो दो के नाम मतलब जो है विजय भान, सबदल सिंह अमित और राजकुमार। अमित है जो ग्राम महुआ का रहने वाला है, इसका पिता बेड़नीबाजी करता था, उसने अपनी सारी जायदाद बेच कर रावसा परिवार का है, महुए में जागीर थी पूर्व जमाने में, वहाँ से बेड़नियों से उसके लगा हुआ है। अच्छा, और वो खुलम खुला रखता है अशोक नगर में। आपके दमान का क्या है? इसे तो इसका कोई से गुमराह करके भगा दिया कि तू जो है इलाज कराने जा रहे हो, दबाव है इसी दाम में है, मतलब भयभीत है, जो निर्दोष है। हाँ जी निर्दोष, हमारा जो दमान है। क्या है? मैं जीतेंद्र यादव, मगर मेरा नाम गिरिराज यादव है, मैं मुड़ेरी का रहने वाला हूँ, लड़की का नाना हूँ, मैं लड़की का चाचा हूँ, खतौरा। पीएम के पास जो परिजन जो है थाने में मायके वाले जो उपस्थित थे उनके द्वारा जो है दहेज हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें पुलिस के द्वारा मृतिका का ससुर और चचिया सास, ससुर और उनके लड़का लड़की 5 लोगों के खिलाफ जो है FIR की मांग की है। उसमें जांच पर से जो है ऐसा होना पाया गया, इसमें जो FIR की जा रही है। कौन कौन सी धारा लगाई है सर इसमें? 80B लगाई है दहेज हत्या को लेकर। पद्मन की घटना जो है कल की थी, कल जो है महिला के द्वारा जो आत्महत्या फांसी लगाकर की गई है। सड़क पर यातायात अवरुद्ध कर रहे ट्रक सहित अन्य वाहनों पर हुई कार्रवाई। नानाखेड़ी मंडी क्षेत्र में सड़क पर ट्रक सहित अन्य वाहनों को खड़ा करने पर यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि सड़क पर ट्रक सहित अन्य वाहनों को खड़ा कर यातायात व्यवस्था को अवरुद्ध कर दिया जा रहा है। इस संबंध में लगातार शिकायत भी मिल रही है, जिसके बाद आज यातायात पुलिस ने नानाखेड़ी मंडी क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास और न्यायालय और तहसील कार्यालय के सामने 8 दर्जन से अधिक वाहनों पर कार्रवाई कर उन्हें यहां से क्रेन के माध्यम से हटवाया गया है। आगे भी यातायात व्यवस्था को अवरुद्ध करने वाले वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। सर बताएं क्या कार्रवाई की गई है? ये विगत कई दिनों से शिकायतें आ रही थी, देखने में आ रहा था कि नानाखेड़ी रोड पर कई सारे बड़े बड़े ट्रक और ट्रोले साइड में लगा दिए गए हैं, जिनके कारण जो वाहन चालक है, आम जनता है, उन्हें परेशानी हो रही थी, उनको आज हटवाया गया है। सर कितने ट्रकों पर कार्रवाई की गई है अभी? समर सिंह मंडी के सामने जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे तकरीबन 4-5 ट्रक खड़े हुए थे, उन सभी को हटवाया गया है। और प्लस ये जो माननीय न्यायालय है, इनके पास में भी ये 4 ट्रक लगे हुए थे, इनको भी यहाँ से हटवाया गया है। कुशवाहा समाज ने लवकुश जयंती मनाई, शहर में निकाली शोभा यात्रा। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभाओं को किया सम्मानित। रविवार को कुशवाहा समाज द्वारा भगवान लवकुश जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में लवकुश झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शहर भर में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। आयोजन समिति के पदाधिकारी ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार कुशवाहा समाज द्वारा भगवान लवकुश की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर कुशवाहा समाज के कोल्हापुरा शनि मंदिर से
शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर से सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस कोल्हापुरा शनि मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में जिले भर से कुशवाहा समाज के लोग शामिल हुए। डीजे और गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में आगे आगे कुशवाहा समाज की बेटियां घोड़े पर सवार होकर धर्म पताका फहराते हुए चल रही थी। वहीं पीछे पीछे सभी महिला पुरुष और सभी समाजजन चल रहे थे। भगवान लव कुश के सुंदर झांकी भी शोभा यात्रा में शामिल थी। जगह जगह पूजा अर्चना और आरती उतारी गई, वहीं शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि शोभा यात्रा के पश्चात समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दूसरे जिलों से भी लोग शामिल हुए। भंडारे और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। समिति ने सभी समाजजन, पुलिस प्रशासन और शहरवासियों का कार्यक्रम के सफल आयोजन पर धन्यवाद ज्ञापित किया। आज गुना में भगवान लव कुश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इसमें समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बाहर से गुना के जिले के बाहर से गुना के सारे ब्लॉक से लोग यहाँ आए हैं। शिवपुरी से लोग भी आए हैं, अशोकनगर से आए हैं। सब लोगों में बड़ा उत्साह है और ये चल समारोह विगत कई दशकों से चला आ रहा है और उसी सिलसिले में उसी कड़ी में आज रखा गया है और आज भी उत्साह बड़ा देखने मिलता है कुशवाहा समाज में और हम जो है इसको और भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। आगे सभी अतिथियों का हमने बड़ा स्वागत किया है, धन्यवाद देते हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपने इसको प्राथमिकता से कवर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर बी एल कुशवाहा, जिलाध्यक्ष गुना। ये आरती पूजन के उपरांत शिव शनि मंदिर दुर्गोदा से प्रारंभ हुआ। वहाँ से आकर के कर्नल में होते हुए पूरा सदर बाजार होते हुए जयस्तंभ चौराहा, उसके बाद में फिर वहाँ से होता हुआ ये हनुमान चौराहा तक हम तक आए और जैसे आगे बढ़ जाएंगे वहीं शनि मंदिर समापन करेंगे। समाज के लिए क्या संदेश है? समाज के संदेश यह है कि सब एक रहें, अपनी समस्याओं का समाधान एकजुट होने पर ही होगा। मैं संदेश देना चाहता हूं सबको, समाज इसी तरीके से अपने धार्मिक के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी एकत्रित रहे और समाज का उद्धार इसी से होगा। मैं समाज के लिए एकता के लिए संदेश देना चाहता हूं। आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भगवान लव कुश की शोभा यात्रा कुशवाहा समाज के द्वारा निकाली जा रही है। चूंकि कुशवाहा समाज इस शहर में नहीं पूरे जिले में मध्य प्रदेश में बहुतायत संख्या में है, इस कारण कुशवाहा समाज के यहाँ पर चार मंदिर हैं। श्री राम जानकी प्राचीन मंदिर, श्री राम जानकी नवीन मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री लव कुश मंदिर और कुश शनि मंदिर कोल्हापुरा पिपरोला रोड पर है। यह झांकी शोभा यात्रा इस वर्ष कुश शनि मंदिर कोल्हापुरा पिपरोला रोड के द्वारा इस समिति के द्वारा निकाली जा रही है। इस समिति में श्री जगदीश सिंह जी कुशवाहा सेमरा वाले, श्री सौरभ कुशवाहा, श्री अर्जुन कुशवाहा करावटा एम्बिशन पब्लिक स्कूल के संचालक, श्री अनिल कुशवाहा अध्यक्ष और उनकी समिति के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और मैं इस अवसर पर इस पुलिस प्रशासन का और पूरे सभी समाज बंधुओं का, धर्म प्रेम बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस भव्य शोभा यात्रा में कुशवाहा समाज का तन मन से सहयोग किया। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हे मेरे कुशवाहा समाज के भाइयों, भगवान लव कुश ने जिस प्रकार अन्याय अत्याचार के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, ऐसी प्रकार कुशवाहा समाज भी जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है, बहन बच्चियों से अन्याय अत्याचार होता है, अपनी आवाज उठाते रहें, प्रशासन तक अपनी आवाज पहुँचाते रहें। वो भगवान राम की जय हो, भगवान की शोभा यात्रा समाज की है। ये शोभा यात्रा शनि कुश मंदिर कोल्हापुरा कुशवाहा समाज के द्वारा निकाली जा रही है और वहीं पर इसका समापन होगा। वहीं पर भोजन प्रसादी कार्यक्रम है और हमारे समाज के जो भी विधायक सांसद मंत्री गण आए हैं वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा और हमारे समाज के जो विभिन्न जिलों से ग्रामों से आए समाज से भी आए उनका भी स्वागत। जन समारोह में एक सुंदर झांकी भी शामिल है, तो क्या संदेश दे रही है? ये संदेश जो है ये हमारे भगवान लव कुश ने जो है जब उनको जंगल में छोड़ दिया गया था, उनका जन्म जो है माता सीता को जंगल में छोड़ वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और वह भगवान राम की खोज में, पिता की खोज में शहर शहर गली गली घूम रहे थे और उन्होंने बड़े ही सुंदर मार्मिक ढंग से गीत गाया था। हम कथा सुनाते राम कृष्ण राम की ये अयोध्या श्री राम की ये माध्यम से जो है भगवान राम की गुणगान गाया है।
करने के लिए गए हैं। सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज शक्ति संगठन मध्य प्रदेश हमारे साथ में। जिले में घटित लूट चोरी और डकैती की घटनाओं के बीच पुलिस ने आज फिर एक लूट और डकैती की घटना का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 लाख से अधिक का माल बरामद किया है। दोनों वारदात जाचोरा थाना क्षेत्र की है। इनमें एक 8 महीने पुरानी बैंक के समूह कलेक्शन अधिकारी से लूट और दूसरी पिछले महीने फूफाजी और भतीजी से डकैती का मामला शामिल है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP संजय कुमार सिन्हा ने उक्त वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार कर 7,33,200 का माल जब्त किया गया है। SP ने बताया कि आरोपियों ने 3 जनवरी 2024 को जोगीपुरा टोल नाके के पास बाइक से जा रहे बैंक के समूह कलेक्शन अधिकारी जितेंद्र पुत्र दानवेंद्र धाकड़ निवासी जगवाड़ा रायसेन के साथ लूट वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने हमला कर बैग छीन लिया था जिसमें 1.5 लाख रुपए और कलेक्शन रखी हुई थी। इसी प्रकार 18 अगस्त को फरियादी सुमेर सिंह गुर्जर निवासी डाबरिया अपने साले की लड़की सुमन गुर्जर को मोटरसाइकिल से लेकर अपने गांव जहां रहे थे। इस दौरान भानपुरा मीना गांव के पास 2 बाइकों से 6 बदमाशों ने उन्हें गिराकर पकड़ लिया था और घटना को अंजाम देते हुए 20,000 नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुराकर वहां से भाग गए थे। चाचोरा थाने में उक्त मामले दर्ज थे। इसी पर से पुलिस टीम ने अपने मुखबिर तंत्र को सूचना के आधार पर 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके द्वारा घटना करना कबूल कर लिया गया है। ये आरोपी पकड़े गए माल भी बरामद कर लिए गए। SP संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में आरोपी माखन पुत्र दौलतलाम भील, अर्जुन उर्फ भूपेंद्र पुत्र भारत सिंह भील, मुंशी लाल पुत्र धौल सिंह भील निवासी गन आनंदपुरा थाना जामनेर और छत्र सिंह पुत्र शिवलाल बंजारा और रामलाल पुत्र भवनलाल बंजारा निवासी ग्राम जमनई को पकड़ लिया गया है। एक आरोपी अभी फरार है। पकड़े गए आरोपियों के पास से सोने की हार कीमत 2.4 लाख रुपए, सोने के 5 मोती कीमत 21,000, चांदी का कमरबंद कीमत 40,000 रुपए, एक पायल कीमत 5,000 और 7,000 नकदी। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और 5 संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस प्रकार पुलिस द्वारा आरोपी के पास से 7 लाख से अधिक का माल बरामद कर लिया गया। सुमेर सिंह पुत्र रंगलाल गुर्जर उम्र 45 साल निवासी ग्राम डावरिया थाना चाचौड़ा। ये 18 अगस्त को ग्राम बुरेला से अपने साले की लड़की सुमन गुर्जर के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव डावरिया जा रहे थे। रास्ते में भानपुरा मीना गांव के पास 2 मोटरसाइकिल पे 6 लोग सवार पीछे से आए, ओवर पावर किया और इनके साथ घटना को अंजाम दिया। इसमें करीब सोने की हार करीब 2.5 लाख रुपए का 2.4 लैक्स, सोने के 5 मोती जो करीब 21,000 रुपए की है, चांदी की कमरबंद कीमती करीब 40,000 रुपए, चांदी की एक पायल कीमती 5,000 रुपए और 7,200 रुपया नकदी एवं घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल उनको अभी जब्त किया गया पुलिस के द्वारा। और घटना में जो 6 आरोपी थे, 6 आरोपी में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। ये आरोपी जामनिया और आनंदपुर थाना जामनेर के निवासी हैं। तो ये 2 प्रकरण का आज खुलासा किया जा रहा है। एक प्रकरण जो 3 जनवरी को कायम हुआ था जिसमें 1.5 लाख रुपए की लूट हुई थी और दूसरा जो अभी 18 तारीख को रक्षाबंधन के ठीक दिन पहले जिसमें काफ़ी आप लोग मीडिया बंदियों को भी पता है कि उसमें काफ़ी अनवेस्ट हुआ था, वहाँ पर काफ़ी लोग ज्ञापन वगैरह दिए थे और भीड़ भाड़ भी इकट्ठी हुई थी चाचौड़ा थाने में। तो इसको एक चैलेंज के रूप में लेकर के पिछले 12 दिन से सतत प्रयास किया जा रहा था और फाइनली हम लोग डिटेक्ट कर पाए कि कौन आरोपी इसमें इन्वॉल्व है और इसे माल भी रिकवर कर लिया है। कुछ जो शेष माल रह गया उसको PR लेकर के रिकवरी का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। गुना जिले के बमोरी क्षेत्र में वनों की कटाई और अतिक्रमण के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। वन विभाग की ढिलमुल रवैया और अधिकारियों की उदासीनता को इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। ताजा मामला बमोरी के ग्राम पाठी और ग्राम पंचायत हमीरपुर के सामने आया है, जहां वन विभाग यानी रेंज की जमीन को लेकर दोनों गांवों के लोग आमने सामने होने को उतारू है और विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। पाठी के ग्रामीणों द्वारा हमीरपुर गाँव के लोगों पर जंगलों की कटाई का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा 2 दिन पहले वन मंडल अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन कार्रवाई नहीं होते देख आज फिर कई लोग लठ डंडे लेकर जंगल में आ गए हैं। घटना की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। पार्टी के ग्रामीणों की माने तो वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ग्राम हमीरपुर के लोगों के द्वारा जंगल की कटाई की जा रही है। सुरान ग्राम पार्टी के लोग बाहर निकले और कटाई
का विरोध किया। वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। सूत्रों की माने तो ग्रामीण और अधिकारियों के बीच भी विवाद की स्थिति बन गई है। जंगल कटाई का विरोध करने वाले ग्रामीणों से वन विभाग के अधिकारियों ने अभद्र व्यवहार किया, इसे ग्रामीणों में नाराजगी है। भटकी हुई मूक बधिर महिला को जीआरपी ने किया परिजनों को सुपुर्द। जीआरपी पुलिस ने एक मूक बधिर महिला और उसके बच्चों को परिजनों से मिलाकर सुरक्षित घर रवाना किया है। दरअसल रेलवे स्टेशन गुना पर प्लेटफॉर्म चेकिंग करते समय एक मूक बधिर महिला अपने बालक के साथ असंरक्षित अवस्था में मिलने पर महिला आर नाचनीन द्वारा कागज पर लिखकर महिला से पूछताछ की गई। मूक बधिर महिला ने लिखकर बताया कि वो अलीगढ़ की रहने वाली है और गलत ट्रेन में बैठकर आ गई थी, जिस पर जीआरपी ने महिला के परिजनों को सूचना दी और अपर कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर महिला और बालक को वन स्टॉप सेंटर गुना में सुरक्षित रखा। महिला के भाई राहुल शर्मा के आने पर महिला को वन स्टॉप सेंटर द्वारा उसके भाई को सुपुर्द करवाया गया। जीआरपी थाना गुना द्वारा मटी हुई मूक बधिर महिला को सुरक्षित घर पहुंचाने में जीआरपी गुना थाना शिपा सिंह, महिला प्रार नाजनीन, आर आशुतोष, आर सत्येंद्र आदि की सराहनीय भूमिका रही। उमरी गांव की गौशाला में गायों की हालत खराब, 3 से 4 गाय मृत मिलने पर धरने पर बैठे गौसेवक। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार। गुना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत उमरी में स्वयं सहायता समूह द्वारा गौशाला का संचालन किया जाता है। 1 सितंबर को गुना से गौ सेवकों की टीम गौशाला में पहुंची तो गौ सेवकों को 3 से 4 गाय मृत मिली। एक मृत गाय के पास में जिंदी गाय पड़ी मिली, जिसकी शारीरिक हालत ठीक नहीं थी। यह देख गुस्साए गौ सेवकों ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान स्वयं सहायता समूह के लोग भी गौशाला में पहुंचे। गौशाला में गायों के लिए पर्याप्त भूसा नहीं है, वहीं मिट्टी एवं गोबर मिला हुआ भूसा देखा गया। गायों की दुर्दशा को देखकर गौ सेवकों की टीम गौशाला में ही धरने पर बैठ गई। मामले की सूचना गुना एसडीएम शिवानी पांडे को मिली तो उन्होंने म्याना नायब तहसीलदार मयंक खेमरिया को उमरी गौशाला भेजा। म्याना के नायब तहसीलदार मयंक खेमरिया उमरी गौशाला पहुंचे, जहां पर धरने पर बैठे गौ सेवकों के साथ पंडित विवेक शर्मा से बातचीत की, गायों की समस्याओं को जाना। इस दौरान नायब तहसीलदार ने गौशाला में धरने पर बैठे गौ सेवकों को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। वहीं स्वयं सहायता समूह के लोगों से भी बातचीत कर गौशाला की स्थिति का जायजा लेकर व्यवस्थाओं में जल्द से जल्द सुधार करने के निर्देश दिए। आज हम सभी गौ सेवक सूचना के द्वारा हमें सूचना लगी तो हम यहां पर आए, और यहां जब हमने आकर के देखा तो बहुत दयनीय स्थिति है, और ऐसी दयनीय स्थिति है कि भूसा में गोबर मिला है, मिट्टी मिली है, गाय मरी हुई पड़ी है, बीच गायों में मरी हुई पड़ी है, और एक स्थिति तो हमने जब देखी हमारा हृदय बिल्कुल विच्छेद हो गया। जब एक गाय और एक जिंदी गाय, एक मरी गाय एक साथ पड़ी है, और उस गाय को लगभग 3 दिन हो गए होंगे, उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम किसी से बहस नहीं करने आए, हमारा काम किसी से लड़ने का नहीं है, और ना हम कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं जो हम कुछ कार्रवाई कर सकें। एक मैं साधारण गौ सेवक हूं और हमारी गौ टीम है। तो बंधुओं, हमने एक ही निर्णय लिया है कि मैं अभी से जितने लोग बैठे हैं मौन रह करके अनशन करेंगे, हम किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक प्रशासनिक मामला यहां पर नहीं आएगा, और जो यहां पर जो जिंदी गायों की हत्या हो रही है उस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, और यहां की गौ माता की जो व्यवस्था है, गौशाला की जो शासकीय गौशाला है उसकी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं अपना मौन और साथ में अनशन नहीं तोड़ूंगा। जिन लोगों को जो भी बैठना चाहते हैं, ग्रामवासी जो इस घटना से दुखी हैं, मैं उनको सदैव आमंत्रण करता हूं, उमरी ग्रामवासी आएं और यहां करके मौन अनशन पर बैठें। कोई बातचीत नहीं होगी, किसी से कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा जब तक हमारे जिम्मेदार अधिकारी नहीं आएंगे। बोलो गौ माता की जय। आपके क्या नाम महाराज जी? मेरा नाम विवेक शर्मा, गौ सेवक। अभी अपन क्या करेंगे? बोलो गौ माता की जय। बारिश के बाद और अपन और चिन्हित करके उसको मुक्त करा देंगे। सर मैं दुखी इसलिए हुआ, ये गाय जो है ना जिंदी गाय मरी गाय के साथ पड़ी। सर इसलिए एक बात बताऊं, सर मैं तो एक बात बता रहा हूँ, एक जहाँ गांव में उमरी में एक हजार गाय है, कितने 1000 गाय, ठीक है ना? हम तो जे चाह रहे हैं जे गायों को निकाल दो, भले नहीं स्टाफ की बढ़वा रहे हैं, बोल दिया। और दूसरा जो गाय
की हालत आपने देखी बनाई गई है सही से और जो रोड पर ज्यादा गाय उनको अपने रखें मतलब मारने के लिए पार्टी से भी हटाई थी नहीं पहले उमरी की गाय और पहले ये गौशाला की व्यवस्था सुचारू पूरी खाली कराओ पूरी खाली करवाओ मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आपको पवित्र है आपका ये है कि मैंने आपको थोड़ा सा परेशान किया आप इस पर गौर करें काम है आप यहाँ पर आए बिल्कुल धन्यवाद दिया करो ये ऐसे मत किया करो पहले उसका इलाज करवाओ। पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप आदेश जारी करने की मांग अतिथि शिक्षकों ने रैली निकालकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। अतिथि शिक्षकों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षकों को लेकर की गई घोषणाओं के अनुरूप आदेश जारी करने की मांग शासन से की है। अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षकों की महापंचायत आयोजित कर उनके हित में कई घोषणाएं की थी लेकिन वर्तमान सरकार ने एक साल बीत जाने के बाद भी उन तमाम घोषणाओं पर अमल नहीं किया। अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से उन तमाम घोषणाओं का जिक्र करते हुए शासन से अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी करने की मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक मौजूद रहे। मेरा नाम विजय आनंद जोशी जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति जिला गुना। आज 2 सितम्बर 2024 को महारैली के माध्यम से महासंघ के बैनर तले आज हमने 2 सितंबर 2023 को जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उनको अमल में लाने के लिए आज हमने रैली का आयोजन जिले में रखा गया है जिसमें प्रमुख मांगे अनुभव एवं वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियमित शिक्षक बनाया जाए, शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाए, शिक्षक भर्ती में प्रति वर्ष 4 अंक और अधिकतम 20 अंक बोनस दिए जाए, अति शिक्षक भर्ती में अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर 1 वर्ष का अनुबंध किया जाए, विगत सत्र 2023-24 में स्कूल में शिक्षक विभाग में 72,200 अति शिक्षक कार्यरत थे किंतु वर्तमान में 2024-25 में उच्च पद पर स्थानांतरण सीधी भर्ती पोर्टल पर रिजर्व रखे जाने पद प्रसिद्ध नहीं हो रहे हैं जिसके कारण वर्तमान में मात्र 20-25 अति शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई है। शेष अति शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर मानसिक रूप से बहुत परेशान है। हम लगभग 16 वर्ष पुराने अति शिक्षक हैं और इसमें ट्रांसफर प्रमोशन और अन्य कारणों से वरिष्ठ बार किए जा रहे हैं। सर हमने सिस्टम को स्मृतिशेष पत्रकार सोहनलाल जैन की पुण्य स्मृति में शासकीय पेंशनर और सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुनाई के अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव की अध्यक्षता और सीएमओ तेज सिंह यादव के मुख्य आतिथ्य में समाचार पत्र वाचन और राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता निवारण समिति मध्य प्रदेश और शासकीय पेंशनर और सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुनाई के संयुक्त तत्वाधान में पेंशनर्स पार्क में किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता निवारण समिति के प्रदेश सचिव अनिरुद्ध सिंह सेंगर ने नेत्रदान के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए मनरोपणांत नेत्रदान घोषणा पत्र भरवाए। एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से 2 दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन में रोशनी आती है। नेत्रदान महादान और पुनित काम है। भारत में 1,20,000 व्यक्ति कॉर्निया की कमी के कारण दृष्टिहीनता का जीवन जीने को मजबूर है। कार्यक्रम के शुभारंभ सोहनलाल जैन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। संघ के उपाध्यक्ष के एन बंसल ने पेंशनर संघ द्वारा संचालित गतिविधियां की जानकारी देते हुए सोहनलाल जैन के जीवन पर प्रकाश डाला। अध्यक्षता करते हुए घनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि गुना जिले के पेंशनर ने अपनी सक्रियता से प्रदेश में एक पहचान बनाई है, इसके लिए सभी पेंशनर बधाई के पात्र है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तेज सिंह यादव ने पेंशनर्स संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा, आप लोग उम्र के इस पड़ाव में भी अनुकरणीय काम कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन जैनेन्द्र कुमार जैन ने और आभार कमलेश श्रीवास्तव ने प्रकट किया। इस अवसर पर काफी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे जिसमें राजा राम शिंदे, दिनेश श्रीवास्तव, हरीश सोनी, हरिओम श्रीवास्तव, श्याम श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम पराशर, शंभुनाथ तिवारी, कैलाश नारायण बंसल, के आर कापसे, हरस्वरूप शर्मा, प्रताप सिंह परिहार, एस एन राजपूत, प्रेम सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नमस्कार पन्नव दुनिया, इन पेपरों का विमोचन आज हमने यहाँ किया। ये प्रोग्राम तो हमारा वैसे पुराना है लेकिन बरसात में इसको बंद कर दिया था। आज से हमारे अध्यक्ष महोदय घनश्याम जी श्रीवास्तव द्वारा उन्हें आग्रह किया गया
कि अपन इस काम को वापस चालू करें। तो उन्होंने जैसे ही बोला वैसे ही सारी घोषणाएं आ गई और ये कार्यक्रम करीब 2-3 साल के लिए लगभग तैयार हो गया और चालू। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज ही हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री सोनलाल जी को नमन, उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात थी। तो अध्यक्ष जी बोले कि साथ में वो प्रोग्राम भी कर लेंगे। और तीसरा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम नेत्र से संबंधित था। नेत्र के संबंध में सारी जानकारी हमारे अनंत सिंह जी सेंगर द्वारा दी गई और हम सभी लोग ये चाहते हैं, आज हम उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि हर चीज़ का भरपूर सहयोग लिया जाए, सबका सहयोग लिया जाए और सारे कार्यों विधिवत जो भी जानकारियाँ मिलती उनका पालन किया जाए। निश्चित रूप से बहुत कर्मठ संगठन है और बहुत हितकारी संगठन है और भी ऐसे कार्य हमारे द्वारा जो किए जा रहे हैं जो बहुउपयोगी हैं। सारे कार्यक्रम बहुउपयोगी रहते हैं और सारे जो साथी हम करीब 350 हम संगठन के साथी हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यक्रम को, अभी हमने गैदरिंग करा था, बहुत बढ़िया पिकनिक आदि का प्रोग्राम किया था, वो भी बहुत शानदार रहा कादेर पे, उसमें भी 70-75 साथी थे। जो भी कार्यक्रम करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं और सहभागिता हमारे सबकी रहती है। दूसरा धन्यवाद मीडिया को, हमेशा इनका सहयोग हमें मिलता है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वह समाचार मीडिया हो। निश्चित रूप से कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता जिस रोज पेंशन और संघ का समाचार उसमें हमको पढ़ने को नहीं मिले। इतना सक्रिय संगठन मेरी ख्याल में प्रदेश में भी नहीं है जो गुना का काम कर रहा है। आज इस प्रोग्राम में नेत्रदान किन किन सदस्यों ने, आज इस प्रोग्राम में विशेष करके 10 लोगों ने नेत्रदान किया है, उसमें मैं खुद भी हूँ, हरिओम श्रीवास्तव हैं, कमलेश भाई साहब हैं, हमारे के एन बंसल साहब हैं, अनु सिंह जी सेंगर स्वयं हैं, प्रेम सिंह जी प्रेम हैं और भी जो हमारे साथी हैं वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और नेत्रदान जो एक प्रक्रिया है, एक राष्ट्रीय प्रक्रिया है, एक धरोहर है जो हमारी आँखों की, उसको दान देकर दूसरे को जीवन देना, दूसरे की आँखों को रोशनी देना, इस प्रक्रिया में हमारे पेंशन साथियों का पूर्ण सहयोग। क्या शुभ नाम है आपका? जयनंद कुमार जैन, सचिव पेंशनर संघ गुना मध्य प्रदेश। महीने के पहले कार्य दिवस की शुरुआत आज वंदे मातरम गायन के साथ की गई। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र की अध्यक्षता में कलेक्टर के सभागार में आयोजित समय सीमा की बैठक की शुरुआत कलेक्टर सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ की। उल्लेखनीय है कि माह की पहली तारीख को शासकीय कार्यालयों में कार्यों की शुरुआत वंदे मातरम गायन के साथ होती है। सितम्बर की शुरुआत रविवार को हुई, इसलिए आज कलेक्टर कार्यालय में वंदे मातरम गायन हुआ। न्यायालय ने गलत काम करने वाले को दी 20 साल की कठोर सजा। सहायक मीडिया प्रभारी श्री मयंक भारद्वाज एसडीओपी राधोगढ़ द्वारा बताया गया कि अभियुक्ती ने पिता ने उपस्थित थाना आकर जुबानी रिपोर्ट में कहा कि वह दिनांक 3/5/2022 को रात 9 बजे गांव में दुकान पर सामान लेने गया था। घर पर उसकी पत्नी और बेटी उम्र 15 साल को घर पर छोड़कर गया हुआ था। जब वह गांव में से सामान लेकर लौटा तो उसकी लड़की घर पर नहीं मिली। उसकी लड़की को गांव में आसपास और रिश्तेदारों ने आज तक तलाश किया पर नहीं मिली। साथ में 4,000 तथा पहनने ओढ़ने के सामान और कागज और साथ में कीपैड मोबाइल ले गई। उसे गांव के आरोपी पर शक है। उक्त रिपोर्ट थाना म्याना में लेखबंद की गई है। प्रकरण विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में पीड़िता के पक्ष विरोधी कथन करने और डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद माननीय न्यायालय ने पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता दिक्तिश एसडीओपी गुना द्वारा न्यायालय के समक्ष विधिक तर्क रखे, जिसने सहमत होकर माननीय न्यायालय में आरोपीगण की धारा 363, 366, 344, 506, 374 भादी में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 11,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।